हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिड्स बाथ। व्हाट इज सिड्स बाथ? सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिड्स बाथ क्या है। तो सिड्स बाथ को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एज द टर्म सजेस्ट, सिट एंड बाथ। इस टर्म से हम क्या समझते हैं? सिट एंड बाथ, इस वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, सिट यानी कि बैठना एंड बाथ। Sitz bath is a different style of bathing in which the individual places the lower back in the water form. ये तो होती है इसकी डेफिनेशन। अब इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ेंगे? इसके इफेक्ट हैं कि इट इज़ डन टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन कॉज्ड बाय रप्चर ऑफ टिश्यू इन द रेक्टम रीजन। रेक्टम रीजन के अंदर टिश्यू के रप्चर होने से जो पेन हुआ है उसको रिलीफ करने के लिए अपन सिड्स बात देते हैं। और इसकी नेक्स्ट लाइन कह रही है, इट मी बी इन द केस ऑफ हेमरॉइड्स, एनल फिशर और आफ्टर गिविंग बेबी बर्थ टू अ बेबी। फिशर के केस में दी जाती है या बेबी बर्थ के बाद दी जाती है सिड्स बात है। ये इसके अंदर बताया गया था कि कब कब दी जाती है। नेक्स्ट आता है हाउ टू टेक सिड्स बाथ। सिड्स बाथ कैसे लेते हैं? तो सबसे पहले अपन करेंगे क्लीन द टब। टब को क्लीन करेंगे, उसके अंदर वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी डालेंगे। गर्म यानी कि अपन ऐसे बोल सकते हैं बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा हल्का गर्म। एड सम सॉल्ट, प्रेफरेबली इपॉज्म साल्ट, सम साल्ट। दिस सॉल्यूशन हेल्प इन श्रिंकिंग हेमरॉइड्स। मतलब साल्ट ऐड करने से क्या होगा, जो हेमरॉइड्स होगा उसका श्रिंकिंग हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा उसका इम्पैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है जेंटली क्लीन एंड ड्राई द इन्फेक्टेड एरिया। और धीरे धीरे उस इन्फेक्टेड एरिया को क्लीन और ड्राई करते हैं। सिड्स बाथ सर्व एज ट्रीटमेंट फॉर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। सबसे पहले सिड्स बाथ एक्ट एज अ नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर। सिड्स बाथ नेचुरल ट्रीटमेंट होता है एक तो हेमरॉइड्स के अंदर, एक होता है कॉन्स्टिपेशन अमंग टीन्स एंड एडल्ट। मतलब जो एडल्ट एज के हैं और जो टीन एज के जो लोग हैं उनके लिए कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने के लिए। उसके बाद हीलिंग डैमेज टिश्यू आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं बेबी बर्थ के बाद, तब हम सिड्स बाथ देते हैं। और एक होता है वेजाइनल इन्फेक्शन होने पर हम सिड्स बाथ देंगे। ए हेमरॉइड इज नॉट अ सीवियर कंडीशन। हेमरॉइड जो है वो एक सीवियर कंडीशन नहीं है। हेमरॉइड्स को ट्रीट किया जा सकता है। सिड्स बाथ इज़ वन ऑफ देम। सिड्स बाथ इसका एक एग्जाम्पल मान सकते हैं या सिड्स बाथ इसका एक तरीका मान सकते हैं। थ्री डिफरेंट सिड्स बाथ टेक्निक। सिड्स बाथ की तीन डिफरेंट टेक्निक हैं। सबसे पहली है जूनिपर एंड लेवेंडर ऑयल्स। इसको अपन यूज़ कैसे करेंगे? सिड्स बाथ यूटिलाइजिंग जूनिपर एंड लेवेंडर ऑयल। If you are under intense pain of hemorrhoid, अगर hemorrhoid के अंदर intense pain है तो अपन lavender and juniper oil का use करेंगे। A sitz bath is a right solution for you। और sitz bath उसके लिए right solution है। Next आएगा sitz bath using Shepherd's purse। Shepherd's purse is a herb that can be utilizing and treating hemorrhoid using a sitz bath। सिड्स बाथ के अंदर अपन यूज़ करते हैं एक तो सेफर्ड पर्स का, जो कि यूटिलाइज करता है और ट्रीट करता है हेमरॉइड को। दिस हर्ब इज़ हेल्पफुल इन ट्रीटिंग हेमरॉइड बाय लोवरिंग द चांसेस ऑफ इंटरनल एंड आउटर ब्लीडिंग। ये क्या करता है? हेमरॉइड से इंटरनल और आउटर ब्लीडिंग को हटाने में हेल्पफुल होता है और ट्रीट करता है हेमरॉइड को। थर्ड जो आता है वो आएगा विच हैजल एंड अ बेसिन। विट प्रिपेयर अ लिटिल टब। छोटा टब तैयार करेंगे, कंपार्टमेंट एंड बाउल दैट यू कैन सिट
इन, जिसके अंदर आप बैठ सकते हो, एंड इंक्लूड सम वॉर्म, और उसके अंदर कुछ वॉर्म वाटर या रिफाइंड वाटर को ऐड करेंगे। ऐड 1/4 कप ऑफ विच हैज़ल, करेंगे ये होता है हेमरॉइड। ये था सिड्स बात के बारे में, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक था और बहुत ही इजी टॉपिक था। सो थैंक यू एवरीवन।